हेलो फ्रेंड्स, चलिए देखिए फिर से हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स पार्ट टू। आज हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। पार्ट वन में हमने पढ़ा पायरोल, पायरोल के रिएक्शन और उसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन, उसके सम इम्पोर्टेंट एग्जांपल। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फ्यूरेन, फ्यूरेन के बारे में पढ़ने वाले। अब देखिए फ्यूरेन के बारे में क्या होता है। तो आज का हमारा टॉपिक है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, फिर से वही IIT जाम, CSIR नेट और गेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, करेक्ट। अब देखिए हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, तो हमें इसके बारे में पढ़ना है फ्यूरेन के बारे में। चलिए अब देखिए फ्यूरेन के बारे में। फ्यूरेन क्या होता है? जनरली फ्यूरेन इज एरोमेटिक कंपाउंड, तो ये हकेल्स रूल भी ओबे करता है। अब देखिए क्या होगा, ये फ्यूरेन का आपका स्ट्रक्चर है, ये फ्यूरेन रिंग हो गया, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड विथ वन ऑक्सीजन एटम। इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन होता है, जैसे अब देखो मैंने यहाँ पर डाइकीटोन लिया है, डाइकीटोन का रिएक्शन करना है आपको P2O5 के साथ, आफ्टर इमोल ऑफ वाटर आपको क्या मिलेगा? फ्यूरेन। तो ये हो गया आपका प्रिपरेशन ऑफ फ्यूरेन। थोड़े इसके जनरल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। इट इज कलरलेस, फ्लेमेबल एंड वोलाटाइल एंड टॉक्सिक लिक्विड। कैसा होता है ये? टॉक्सिक लिक्विड होता है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो हमें करना क्या होता है। अब देखिए हमारे पास है केमिकल रिएक्शंस ऑफ फ्यूरेन। जनरली फ्यूरेन अंडरगोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस एट पोजीशन टू, एट पोजीशन टू, ये इंपॉर्टेंट। जैसे पायरोल में था पोजीशन टू, इसमें भी क्या होगा? पोजीशन टू। अगर पोजीशन टू ब्लॉक है तो पोजीशन फाइव, इफ टू एंड फाइव बोथ आर ब्लॉक देन एट पोजीशन थर्ड। तो ये आपको याद रखना है, पोजीशन टू पे हो सकता है, टू अगर ब्लॉक है तो फाइव पे जाएगा। जैसे यहाँ पर मैं देता हूँ, ये फ्यूरेन है, ये पोजीशन वन टू थ्री फोर फाइव, पहले तो टू पे होगा, टू ब्लॉक है तो फिफ्थ पे जाएगा, टू फाइव दोनों ब्लॉक है तो थर्ड पे जाएगा, बाद में कहाँ पे जाएगा? थर्ड पे। तो फर्स्ट आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करना है सेकंड पोजीशन पे, सेकंड ब्लॉक है तो फिफ्थ पे, फिफ्थ ब्लॉक है तो फिर थर्ड पे, टू और फाइव दोनों ब्लॉक होगा तो थर्ड पे जाएगा। चलिए अब इसके रिएक्शन करते हैं। पहला क्वेश्चन आ रहा है फ्रेडलक्राफ्ट असाइलेशन, फिर से ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, फिर से ये कैसा रिएक्शन है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखिए क्या होगा, ये इसमें से जो इलेक्ट्रोफाइल, ये वाला इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा, इसको हमें रिमूव करना है, तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा ये। सेकेंड पोजीशन पे क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, करेक्ट। सेकेंड पोजीशन पे क्या हो हमारा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट सल्फोनेशन, सल्फोनेशन में क्या होगा? सेकेंड जो पोजीशन है वहाँ पे आपका ग्रुप लगेगा SO3H, यहाँ पे पॉसिबिलिटी किसकी? SO3H ग्रुप। अगेन नाइट्रेशन इन प्रेजेंस ऑफ HNO3 एंड H2SO4, तो यहाँ पे क्या होगा? सेकेंड पोजीशन पे लग जाएगा NO2। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल जो मैंने लिखा है माइनिच रिएक्शन, लास्ट पायरोल में भी हमने पढ़ाई है, अगर आपने देखा नहीं है तो उसको देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा। अब देखो फ्यूरेन पे माइनिच रिएक्शन करना है, फिर से वही। अब कैसे लिखना है? देखो एक सिंपल ट्रिक है, इस कार्बन पे CH2 लगाना है और ये CH2 इस N के साथ ज्वाइन करना है, बस हमें उतना ही लिखना होता है। देखिए इस CH2 को मैंने यहाँ पर अटैच किया, CH2 किसको अटैच हो रहा है? N, नाइट्रोजन के वैलेंस हमें सेटिस्फाई करनी है, तो Me, तो यहाँ से H निकल जाएगा। ये हो गया आपका मैनिच रिएक्शन का प्रोडक्ट, तो ये हो गया इसका मैनिच रिएक्शन। चलो कुछ और रिएक्शंस करते हैं। जैसे अब देखिए इस पेज पे देखो हमारे पास और दो रिएक्शन दिख रहे हैं। नेक्स्ट इज माइकल एडिशन, माइकल एडिशन ऑन फ्यूरेन। अब देखिए माइकल एडिशन क्या होता है, फिर से अब देखिए माइकल एडिशन में करना क्या होता है, डायरेक्ट प्रोडक्ट कैसे लिखना है मैं बोलता हूँ। इस बॉन्ड को, जैसे ये आपको दिख रहा है, इस बॉन्ड को यहाँ पे ज्वाइन करना है और इस डबल बॉन्ड को रिमूव करना है। देखिए फिर से सिंपल टेक्निक कैसा होता है लिखने का, ये बॉन्ड इस कार्बन के साथ बनाना है, देखो ये अल्फा और ये बीटा, बीटा में बॉन्ड बना दो और अल्फा बीटा का डबल बॉन्ड हटा दो। देखिए कैसे लिखना है प्रोडक्ट, सिंपल टेक्निक कैसे लिखना होता है। ये तो ये सी यहाँ पे लगा CH3, अल्फा बीटा का डबल बॉन्ड निकल जाएगा, डबल बॉन्ड आपको रिमूव करना है अल्फा बीटा का, ये CH2 सी डबल बॉन्ड ओ CH3। हमने क्या किया, जो अल्फा और बीटा था, अल्फा और बीटा में ओनली क्या आएगा? सिंगल बॉन्ड, तो वहां से डबल बॉन्ड निकल जाएगा। ये होता है माइकल एडिशन। नेक्स्ट रिएक्शन विथ लीड टेट्रा एसिटेट, है ना, लीड टेट्रा एसिटेट। इसमें देखो क्या होता है, लीड टेट्रा एसिटेट में आपका यहाँ पे OAC लगेगा एसिटेट ग्रुप और यहाँ पे भी क्या लगेगा? OAC ग्रुप। ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है लीड टेट्रा एसिटेट। नेक्स्ट रिमर टीमन रिएक्शन,
ये तो आपको पता ही है, रिवर्टिबल रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और बेस के प्रेजेंस में होता है। तो रिवर्टिबल रिएक्शन में देखिए अब क्या होगा, आपको मिलता है यहाँ पे एल्डिहाइड एट सेकेंड पोजिशन, मिल गया एल्डिहाइड। अगर मान के चलो रिमर्टिबन के आगे मैंने अगर विटिक रिएक्शन किया, जैसे पी पी एच थ्री डबल बॉन्ड सी एच सी ओ ओ इट, ये विटिक रिएक्शन। आगे क्या हो रहा है, इसके साथ मैं विटिक रिएक्शन करता हूँ, तो विटिक रिएक्शन में हमें एल्किन मिलता है, करेक्ट। और ये कैसा रिएजेंट, अगर विटिक रिएजेंट में कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इज प्रेजेंट, देन विटिक रिएजेंट इज कॉल्ड एज स्टेबिलाइज्ड विटिक रिएजेंट, विटिक रिएजेंट। सो हमें प्रोडक्ट मिलते हैं मोस्टली ई एल्किन, हमें क्या मिलेगा ई एल्किन प्रोडक्ट यहाँ पे मिलेगा। देखिए अब रिएक्शन कैसे करना है, डायरेक्टली प्रोडक्ट, ये पी एच थ्री और इस डबल बॉन्ड को हटा दो, तो प्रोडक्ट आपको लिखना है ये वाला, ये डबल बॉन्ड को सी एच लग जाएगा बस, ये हो गया आपका ट्रांस एल्किन। हमने क्या किया, पी एच पी पी एच थ्री पी ओ निकाल दिया, प्लस बाय प्रोडक्ट आएगा आपका ये पी पी एच थ्री पी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, करेक्ट, ये आपको ऑक्साइड मिला। हमें करना क्या होता है, इन दोनों को रिमूव करना होता है, और ये डबल बॉन्ड इस सी एच के साथ लगा के आपको लिखना ई एल्किन। ये क्या हो गया, ई एल्किन इज मेजर, ई एल्किन इज मेजर, वाई, बिकॉज अवर विटिक रिएजेंट इज स्टेबिलाइज विटिक रिएजेंट। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट पढ़ते इसमें, डील्सल्डर रिएक्शन ऑफ फ्यूरेन, डील्सल्डर रिएक्शंस ऑफ फ्यूरेन, फ्यूरेन में डील्सल्डर रिएक्शंस भी होते हैं। अब देखिए डील्सल्डर में क्या होता है, जनरली डील्सल्डर रिएक्शन होता है 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन, 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शंस, 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शंस, करेक्ट, 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन है डील्सल्डर रिएक्शन। तो इसमें देखो आपको करना क्या है, अब देखिए प्रोडक्ट कैसे लिखना, अब इसी फ्यूरेन को मैं ऐसा लिख लेता हूँ, अदरवाइज आप ऐसा कर सकते हो, जैसे इस बॉन्ड को यहाँ पे लगा दूँ, ये बॉन्ड यहाँ पे आएगा और ये बॉन्ड इस पे अटैक कर लेगा, तो फाइनली प्रोडक्ट आपको ये मिल रहा है, ये डबल बॉन्ड, ये इसके साथ ज्वाइन करना है, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे ज्वाइन हो गया सी ओ ओ सी एच थ्री सी ओ ओ सी एच थ्री। इसी को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, वी कैन राइट लाइकवाइज, डबल बॉन्ड सी ओ ओ सी एच थ्री एंड सी ओ ओ सी एच थ्री, करेक्ट। अब देखिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, अब आपके पास अगर फ्यूरेन है और फ्यूरेन पे अगर 2+4+2 साइक्लो एडिशन होगा इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो आपको मिलता है एक्सो प्रोडक्ट। फिर से वही करना है, ये इस पर अटैक करेगा, ये इधर जाएगा और ये बॉन्ड इस पर अटैक कर लेगा, तो आपको प्रोडक्ट मिल रहा है ये। करेक्ट, तो यहाँ पे आपका ये रहेगा ओ, पर अभी मुझे इसको लिखना कैसे, मुझे इसको लिखना है एक्सो प्रोडक्ट। अब देखो इसका प्रोडक्ट लिखा कैसे जाएगा, जो गया इसका एक्सो प्रोडक्ट, एक्सो प्रोडक्ट इज मेजर। तो हमें क्या रखना है याद, जब फ्यूरेन रहेगा और इलेक्ट्रॉन, अब ये फ्यूरेन क्या हो गया आपका डाइन, और ये क्या हो गया डाइनोफाइल, जब डाइनोफाइल में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहेगा देन अवर एक्सो प्रोडक्ट इज मेजर, फ्यूरेन के केस में आपको याद रखना है। अब देखिए एक क्वेश्चन दिया है मैंने, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आपको सॉल्व करना है, चलो आप ट्राई करो फिर हम इसको देखते कि कैसे होता है। अब देखिए पहला CN माइनस CL को रिप्लेस करेगा, तो प्रोडक्ट ए देखो ए कैसा बनेगा, ये आपका बनता है ये वाला। हमें क्या करना है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करना है, CH2 की जगह क्या आ जाएगा अब CN, है ना, CL को रिप्लेस करने के बाद क्या आ गया यहाँ पे CN। अब CN का हम कर रहे हैं हाइड्रोलिसिस, अगर साइनाइड का हाइड्रोलिसिस होता है तो आपको मिलता है अल्टीमेटली एसिड प्रोडक्ट, करेक्ट, वी आर गेटिंग कार्बोक्सिलिक एसिडिक ग्रुप सी डबल बॉन्ड ओ एच। अब कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन अगर मैं SOCl2 के साथ करता हूँ तो प्रोडक्ट क्या आएगा, OH रिप्लेस होके आपको लगेगा यहाँ पे Cl, करेक्ट, Cl हो गया, ये हो गया आपका प्रोडक्ट B, ये हो गया प्रोडक्ट आपका C। अब मुझे क्या देखना है यहाँ पे D, D कैसे बनेगा ना, अब हमें क्या करना है D का प्रिपरेशन, थोड़ा देखिए D में कैसे लिखना है आपको, D पे क्या दिया है आपको फ्यूरेन, फिर से फ्यूरेन दिया है ना, फ्यूरेन रिंग दिया है, डी पे क्या दिया है फ्यूरेन रिंग, और साथ में दिया आपको AlCl3।
जैसे एक नेम रिएक्शन है, सबको पता होगा, फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। ये कैसा रिएक्शन है? फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। अब इसमें देखो क्या होगा, सीएल निकल जाएगा और इस पर फ्यूरेन लग जाएगा, तो प्रोडक्ट ये मिलेगा, सी डबल बॉन्ड ओ ये बना आपका प्रोडक्ट, ये हो गया आपका प्रोडक्ट। यहाँ पे कार्बन भूल गए, तो यहाँ पे सी एच टू होना चाहिए, यहाँ पे कार्बन भूल गए हम, सी एच टू लिखो, यहाँ पे भी क्या होगा सी एच टू, तो यहाँ पे भी क्या रहेगा सी एच टू। देखिए ये सी एच टू तो फिक्स है, ये सी एच टू फिक्स रहेगा, इस पर चेंज नहीं होगा, एक सी एच टू रहेगा ही हमारा, करेक्ट। ये हो गया आपका डी प्रोडक्ट। अब देखिए डी का रिएक्शन करना है जेड एन एच जी एच सी एल के साथ, जेड एन एच जी एच सी एल, तो हमें पता ही ये कौन सा रिएक्शन है, क्लेमेंसन रिडक्शन। तो क्लेमेंस रिडक्शन में क्या होता है, सी डबल बॉन्ड यहाँ से निकल जाता है, तो फाइनली आपका प्रोडक्ट मिलेगा यहाँ पे सी एच टू, तो है फिक्स है सी एच टू हमारा, चेंज नहीं किया, सी डबल बॉन्ड वो का क्या बन जाएगा फिर से सी एच टू, और यहाँ पे आपका फ्यूरेन रिंग, तो ये हो गया प्रोडक्ट। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, चलो और थोड़े बहुत इसके बारे में क्वेश्चन कर लेंगे। अब देखिए कुछ क्वेश्चन हैं, आप इसको ट्राई करो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ऑन फ्यूरेन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो अब देखते, तो फ्यूरेन है, फ्यूरेन पे हम कर रहे रिमर टिमर रिएक्शन, हमें मिला एल्डिहाइड, ये हो गया आपका प्रोडक्ट ए, करेक्ट। तो मुझे बी सी डी ई एफ ढूंढना है, पहले इसका रिएक्शन इसके साथ करेंगे, तो चलो आप ट्राई करो, फिर हम देखते कि प्रोडक्ट क्या बनने वाला है। दो मिनट में आप फटाफट ट्राई करो, फिर मैं आपको बोलूंगा कि प्रोडक्ट कैसे होगा। अगर पायरोल देखा नहीं होगा तो मैं आपको वीडियो में पायरोल के बारे में रिएक्शंस, जैसे मैंने एक वीडियो बनाया है उसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा और वीडियो देखो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा। चलो आपने किया ही होगा, अभी इस पे ट्राई करते हैं, पहला प्रोडक्ट देखो क्या बनेगा। तो पहला प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा EOH, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन जैसे रिएक्शन है CH, और यहाँ पे आएगा आपका SO3-, करेक्ट, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब देखो ये रिएक्शन कौन सा है, तो ये रिएक्शन है आपके लिए कैंडी ज़ेरोज़ रिएक्शन। तो कैंडी ज़ेरोज़ रिएक्शन में क्या होता है, मुझे इसको टू टाइम्स लेना है, करेक्ट। कैंडी ज़ेरोज़ रिएक्शन में क्या होता है, एक बनता है आपका अल्कोहलिक फर्ट, दूसरा क्या बनेगा आपका सॉल्ट। मैं इसी मॉलिक्यूल को टू टाइम्स ले रहा हूँ कैंडी ज़ेरोज़ में, तो इसका पहले बार बनेगा अल्कोहल, दूसरी बार क्या बनेगा इसका सॉल्ट। तो कैंडी ज़ेरोज़ में क्या होता है, एक अल्कोहलिक पार्ट बनता है और एक क्या बनता है सॉल्ट, ये हो गया अल्कोहल प्लस दूसरा देखो क्या बनेगा, इसी का सॉल्ट बना दो, सॉल्ट क्या होगा COO-, अब यहाँ पे K प्लस, तो इसको K प्लस लगा दो, हमारा बेस क्या है KOH। चलो KCN के प्रेजेंस में बोलो कौन सा नेम, देखिए नेम रिएक्शन कौन सा, ये भी एक नेम रिएक्शन है, बेंजोइन कंडेंसेशन। तो देखिए आपके इसमें नेम रिएक्शन भी रिवाइज हो रहे हैं। बेंजीन कंडेंसेशन में क्या होता है, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन बनता है, प्रोडक्ट क्या होता है आपका अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, हमें प्रोडक्ट क्या मिलता है यहाँ पे अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, तो ये बेंजीन का प्रोडक्ट है अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। अब देखिए बेंजीन का प्रोडक्ट कैसा आएगा, ओ तो यहाँ पे आपका सी डबल बॉन्ड ओ, अल्फा पे आ गया OH, रिमेनिंग फ्यूरेन रिंग आपका एज इट इज हो गया। देखिए कार्बन मेन कार्बोनिल हो गया अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन देखिए कौन सा है, ये परकिन रिएक्शन है। परकिन रिएक्शन में हमें पड़ता है ये क्या मिलता है, एसिडिक पार्ट, जैसे हमने एक नॉर्मल एक रिएक्शन होता है सिनेमिक एसिड फॉर्मेशन, तो एसिटाइलेशन करना है एसिडिक एनहाइड्राइड के प्रेजेंस में और इसी का सॉल्ट। परकिन रिएक्शन में देखो क्या होगा, आपको मिलेगा एसिडिक पार्ट, तो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा CH डबल बॉन्ड CH COOH, ये हो गया आपका परकिन का प्रोडक्ट। नेक्स्ट रिएक्शन फिर से देखो, ये विटिक टाइप रिएक्शन अभी हमने किया था, विटिक रिएक्शन, ये कैसा है विटिक रिएक्शन। विटिक में क्या होता है, इसको निकालना है और इस ओ को निकालना है, बाकी दोनों को ज्वाइन करो, यहाँ पे क्या आ गया CH, करेक्ट। बट प्रोडक्ट कैसा रहेगा आपका, ट्रांस अल्किन डबल बॉन्ड CH COOME। विटिक में क्या होता है, विटिक का प्रोडक्ट होता है आपका ई अल्किन, कब, जब आपका विटिक रिएजन कैसा रहेगा, स्टेबिलाइज विटिक रिएजन। विटिक रिएजन कैसा होगा, स्टेबिलाइज विटिक रिएक्शन। तो ये हो गया फ्यूरेन के बारे में। तो देखिए
ये टोटल क्विक रिवीजन हुआ फ्यूरेन के बारे में। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में थायोफिन के बारे में रिएक्शंस देने वाला हूँ, तो आप इस वीडियो को देखिए अच्छे से, कुछ क्वेश्चंस भी रहेंगे उस क्वेश्चंस को करिए, और हम आगे करके नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। तो इसलिए आप मेरे चैनल को फॉलो कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, जैसे कि आपको इसका फ़ायदा हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।